असलम एवरी वन कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरत से होंगे तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट एम डी कैट केमिस्ट्री इन थर्टी डेज के आपको किस तरह से जो है अपने थर्टी डेज़ में अपनी केमिस्ट्री को कवर करना है ये हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट अगस्त से थर्टी ऑफ अगस्त तक फर्स्ट अगस्त को हमने करना है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सेकेंड अगस्त को करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर दैन थर्ड अगस्त को करना है गैसेस प्लस लिक्विड्स एंड सॉलिड्स ठीक है ये गैसेस लिक्विड्स एंड सॉलिड तो पीएमडीसी एम सिलेबस में जो है वो तीन अलग अलग करके दिए मैं बट हमारी जो बुक्स होती हैं उनमें कुछ बुक्स में एक साथ ही होती हैं कुछ बुक्स में जो है वो अलग अलग, अलग चैप्टर्स होते हैं तो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं इतने बड़े चैप्टर्स नहीं होते तो इन तीनों चैप्टर्स को हम एक साथ ही कवर करेंगे फ्रॉम थर्ड अगस्त को ठीक है फोर्थ अगस्त को हमने करना है रिविज़न इन सारे चैप्टर्स की रिविज़न करना है प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं इन सब के टॉपिकल जो है वो करना है और बाकी अगर इनके एक साथ कर, आ, कहीं मिल सकते हैं तो एक साथ भी कर सकते हैं आप लोग प्रैक्टिस इसके बाद फिफ्थ अगस्त को करना है हमने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर दैन सिक्सथ अगस्त को करना है रिएक्शन काइनेटिक्स और फिर सेवंथ ऑफ अगस्त को करना है थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स एन ऑफ केमिकल रिएक्शन और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो ये दोनों चैप्टर्स इसीलिए एक साथ कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स भी इतने मुश्किल नहीं हैं तो एक ही दिन में जो है वो दोनों चैप्टर्स कवर हो सकते हैं देन हाँ आते हैं एट ऑफ अगस्त को हमने करना है केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसकी एक एक लाइन को एक एक जो आपको जितने भी वैल्यूज़ हैं सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को लाजमी और बहुत uh, अच्छे से करना है ठीक है नाइन्थ अगस्त को फिर दोबारा से रिविजन ऑफ ऑल अबव चैप्टर्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है फिर टेंथ अगस्त को करना है अच्छा तो यहाँ पे हमारे जो जितने भी फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स हैं तो वो सारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं देन नीचे जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे सेकेंड ईयर के चैप्टर्स हैं फिर टेंथ अगस्त को करना है हमने एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके बाद एलेवंथ अगस्त को करना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स अच्छा ये एस एम पी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे पास इंडस्ट्रीज भी होती हैं तो जो पी एम डी सी सलेबस है उसमें हमारे पास इंडस्ट्रीज़ को मैंशन नहीं किया और कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल पी एम डी सी सलेबस को ही फॉलो करते हैं तो आपने जो है वो इंडस्ट्रीज़ को भी करना है और फुल जो है वो आपने जस्ट पी एम डी सी सलेबस को फॉलो नहीं करना आपने अपने बाकी जो आपको लग रहा हो कि इंपॉर्टेंट है जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें से क्वेश्चन आते हैं इंडस्ट्रीज में तो आपने इंडस्ट्रीज़ को भी लाजमी करना है और इसके बाद आते हैं हमारे पास ट्वेल्थ uh, अगस्त को फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैन थर्टीथ अगस्त को हमने करना है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकारबन्स ओके फिर फोटीन अगस्त को सारे चैप्टर्स की रिवीजन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन को करना है उसके बाद फिफ्टीथ अगस्त को हमने करना है अल्काइल हराइड्स दैन सिक्सटीन अगस्त को करना है अल्कोहल एंड फिनोल्स सेवनटीन को करना है एल्डिहाइड एंड कीडोन्स और एटीन को करना है कार्बोक्सिलिक एसिड नाइन्टीन अगस्त को करना है आपने माइक्रो मॉलिक्यूल्स का चैप्टर माइक्रो मोलिक्यूल मा चैप्टर इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट लेकिन फिर भी करना है आ, सेफ साइड पे कर लो क्योंकि कुछ भी हो सकता है क्वेश्चंस आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं देन ट्वेंटी अगस्त को करना है जी रिविजन ऑफ ऑल अबव चैप्टर्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन इन रिमेनिंग टेन डेज में आपने अपने जो है वो जितने भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं ग्ष उनको करना है और इनमें टॉपिकल क्वेश्चन होते हैं टॉपिकल प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं और मॉक टेस्ट्स होते हैं तो आपने उनको करना है साथ साथ और इसके अलावा आपने जो समाइम्स ऐसा होता है कि आपने जो स्टडी कैज अपने लिए फाइनलाइज़ किया होता है तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो नहीं कर पाते कुछ भी कभी आपको ऐसा हो जाता है क्योंकि फैमिली फंक्शन आ जाता है या कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आपको जो है वो चैप्टर रह जाता है तो इन रिमेनिंग टेन डेज़ में आप लोग ऐसा करें कि जो चैप्टर्स आपसे मिस हो गया हो तो उन पर आप क्रॉस का निशान लगाएँ और देन आपने इन रिमेनिंग टेन डेज़ में आपने उन्हीं चैप्टर्स को करना है ठीक है